हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको फ्रिल वाली स्लीव्स बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग करना नहीं आता है तो मैंने बहुत सारे वीडियो स्लीव्स की अपलोड की हुई हैं, आप जितनी भी लॉन्ग स्लीव्स पहनना चाहती हैं उस हिसाब से कटिंग कर लें। मैंने इसकी लेंथ 15 इंच रखी है और चौड़ाई अपनी बाजू से 1.5 इंच ज़्यादा रखी, यानी कि जितनी भी आपकी फिटिंग है उससे 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए। और देखिए, फ्रिल के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच ली है। ये मुड़ के 2.5 इंच की रह जाएगी, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारी 2.5 इंच की रह जाएगी। और एक और फ्रिल ली है, ये हमने रेड कलर में ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 2 इंच की रह जाएगी। ये देखिए, ये इससे हमें छोटी लेनी है 1 इंच। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इस फ्रिल को तैयार करेंगे, ऐसे रखेंगे इसको और इसको तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे सीधी साइड से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे पूरे में। यहाँ से हम इसमें पूरे में इस सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, जो मैंने इसकी फ्रिल की लंबाई ली है, इसकी मैंने 1 मीटर ली है, क्योंकि हमें फ्रिल चाहिए। तो अगर आप गनी फ्रिल देना चाहती हैं तो आप कम भी ले सकती हैं, ज़्यादा भी ले सकती हैं, जितनी आपको फ्रिल चाहिए उस हिसाब से आप लंबाई ले सकती हैं। तो इसको पूरा सिल लेंगे। देखिए, हमने इसको पूरा सिल लिया है। अब हम जो हमारी रेड वाली पट्टी है जो हमने ली थी 4 इंच चौड़ी, इसको भी हम इस तरीके से ही सिल लेंगे, ऐसे ही सिलाई लगा के। तो देखिए, मैंने दोनों फ्रिल में ही सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए, पहले हम आपको इसकी बनाना बताएंगे, फ्रिल कैसे बनानी है। तो इसको ऐसे रखना है और पहले थोड़े से हिस्से पे ऐसे खाली सिलाई लगा देंगे और ये स्लीव्स के बराबर ही हमें फ्रिल की चौड़ाई रखनी है। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपकी फ्रिल बनती जाएगी और बहुत आसान है इसे बनाना। इस तरीके से आप गला भी बना सकती हैं, यानी कि ग्राउंड गला बना के उस पर भी छोटी फ्रिल लगा के डिज़ाइन दे सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से फ्रिल बना ली है। आप देख सकते हैं कि हमारी कितने इक्वल फ्रिल आई हैं ये। और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग कर दिया है बिल्कुल अपने। देखिए, जो हमारा ये बॉटम है इससे बड़ी हो जाए, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी इस तरीके से आएगी। अब हम जो हमारी रेड वाली स्लीव्स है इसको बनाना बताएंगे। तो देखिए, इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही बनाएंगे इसको भी सेम तरीके से। ऐसे अगर इससे भी छोटी बनाना चाहती हैं तो इससे छोटी भी बना सकती हैं आप। इसको भी हम बॉटम के बराबर तक ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों फ्रिल बनके तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकती हैं कि हमारी फ्रिल कितनी इक्वल आई हैं। तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिए और फिर उसके बाद अब आगे की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी बाजू वाला कपड़ा लेंगे और उसके अंदर हम इस स्लीव्स को ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और देखिए, इसको हम करीबन
इससे 2 या 3 इंच ऊंचा रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे ऐसे पलटेंगे तो हमारा ये कपड़ा नीचे तक जाएगा। लेकिन हमें अभी रेड वाली भी लगानी है, तो उस हिसाब से हमको इसे, देखिए आप 2 तरीके से लगा सकती हैं। अगर आप ऐसे लगाना चाहती हैं तो ये भी बहुत इजी तरीका है, अगर आप इसे पलट के लगाना चाहती हैं तो आप पलट के भी लगा सकती हैं। तो इससे, ऐसे लगाने से इसके हमें चौड़ाई का पता रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं यहाँ पे और एक सिलाई लगा देते हैं। इससे हमने इसको 3 इंच ऊंचा रखा है, ये देखिए 3 इंच की ऊंचाई से रखा है हमने इसको, और इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए जो ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना लें इस डिस्टेंस को। तो देखिए हमारी एक साइड लग चुकी है, अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे और इसको ऐसे रख लेंगे। और देखिए अब जो हमारी ये रेड वाली स्लीव्स है इसको हमें किस तरीके से लगाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और फिर इसके नीचे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इसका बॉटम है ये वाला, इसके ऊपर या तो आप रेड पाइपिंग लगा लीजिए या फिर इसको ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। तो पहले इसको मैं सिंपली फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए हमने ये नीचे से फोल्ड कर लिया है, अब उसके बाद देखिए इसको हम कैसे रखेंगे कि यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो हमारा रेड वाला कपड़ा है इसकी सिर्फ थोड़ी सी फ्रिल दिखनी चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल इस स्लीव से, ये देखिए इससे, आप चाहें तो अगर थोड़ी बहुत लॉन्ग बनाना चाहती हैं स्लीव्स को तो थोड़ा सा निकाल के भी लगा सकती हैं, लेकिन हमें जितनी चाहिए थी वो हमने बराबर कटिंग कर ली है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी के बराबर आपको रख के और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से इसको उठाते हुए एक सिलाई लगाएंगे पूरे में। अगर आपको लगे कि फ्रिल बनाते टाइम आपसे कपड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप उस कपड़े को, एक्स्ट्रा को निकाल सकती हैं। फ्रिल को एकदम बराबर रखेंगे, बराबर डिस्टेंस से। और अब देखिए जो हमारी एक्स्ट्रा फ्रिल बची है उसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोनों जो हमारी फ्रिल हैं वो इस तरीके से आएंगी, ऊपर गोल्डन और नीचे रेड। और फिर देखिए बनने के बाद में जब इस पे सिलाई लग जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि इसकी रेड सलवार है और गोल्डन कुर्ती है, इसलिए हमने मैच करते हुए ये स्लीव्स बनाई है। अब उसके बाद इसकी जितनी भी आपकी फिटिंग आती है फिटिंग कर लीजिए और फिर अपनी कुर्ती में लगा लीजिए इसको, तो आपकी जो स्लीव्स है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको हम यहाँ से फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच को हम ऐसे सिलते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे और फिर अपनी उसमें कुर्ती में अटैच कर देंगे। अगर आपको बंद स्लीव्स लगाना नहीं आता है तो पहले आप स्लीव्स को लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको सिलिए। तो इस सिलाई को हम नीचे तक लाएंगे, जितनी भी हमारी मोहरी है उस हिसाब से रखते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे और दूसरी स्लीव्स को भी हमें सेम बनाना है ऐसे ही। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है।
तो देखिए पहनने के बाद में इसका लुक बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे हमारी हमने ये अम्ब्रेला में बनाई हो, आप देख सकती हैं। एक मिनट थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये देखिए यानी कि नीचे रेड और ऊपर गोल्डन और एकदम फूली फूली लग रही है ये, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रही जैसे कि हमने इसमें फ्रिल लगाई है। बिल्कुल यहाँ से घेरा जैसा आ रहा है क्योंकि ये फ्रिल हमारी फूल चुकी हैं और घेरा जैसा लग रहा है पहनने के बाद में। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्लीव पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।